नमस्कार दोस्तों, मैं नवरतन आपका एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य काल में नायक इतिहास। भारतीय राजनीति इतिहास में मौर्य के काल से लगाकर गुप्त काल तक नायक पद की व्यवस्था प्रशासन में बनी रही है। महाकवि कालिदास के युग में भी भारत की राज्य शासन प्रणाली में नायक एक पद होता था। इतना ही नहीं, इसका अपना एक विभाग होता था। युधिष्ठिर भार्गव की पुस्तक भारतीय संस्कृति और जनजीवन में कालिदास के ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतला से प्राप्त शासन व्यवस्था का हवाला देते हुए लिखा है कि मुख्य विभाग 18 होते थे जो तीर्थ कहलाते थे। इनमें से जो मुख्य तीर्थ है वो है मंत्री, पुरोहित, युवराज, द्वारपाल, दंडपाल, नायक आदि। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।